आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। व्यूअर्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरली हमारी अर्थ का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन होता है। तो इसे डायग्रामेटिकली देखते हैं। फर्स्ट करें, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के ऊपर यहां से सन रेज आती है और अर्थ को हीट अप करती है। व्यूअर्स, ये जो सन रेज है ये शोल्डर वेवलेंथ की होती है और ये रेज कहलाती है यूवी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो व्यूअर्स, सन रेज जब अर्थ तक पहुंचती है तो रास्ते में इसकी आती है ओजोन लेयर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बेनिफिशियल होती हैं वो अर्थ तक आती हैं, और ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं तो ये इनकी एनर्जी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर से होती हुई नीचे अर्थ तक पहुंचती हैं। तो ये आ गया ओजोन लेयर और उसका बेनिफिट कि वो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। अब अर्थ इन रेज का कुछ जो पार्ट है, कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसके बाद जब अर्थ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देती है लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेज में, जिन्हें हम कहते हैं IR या इंफ्रारेड रेडिएशन। इनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूवी जो है वो उसकी एनर्जी ने एब्जॉर्ब कर लिया अर्थ ने और उसके बाद IR में उसे लो एनर्जी वाली रेज में कन्वर्ट कर दी। अब व्यूअर्स, ये IR जब वापस जाने लगती है तो हमने जैसे एटमोस्फेयर की कंपोजिशन में डिस्कस किया था कि एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन गैस और साथ में वाटर वेपर्स होते हैं। तो व्यूअर्स, CO2 गैस और वाटर वेपर्स यहां पे मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि इस IR रेज का भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है और अर्थ जो है वो हैबिटेबल रहती है, रहने के काबिल रहती है। तो दोबारा से देखिएगा, सन रेज जब यूवी की फॉर्म में नीचे आई, पहले तो अर्थ ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की, जब उन्हें लो उसने एनर्जी वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया IR में, तो IR को भी फर्दर एब्जॉर्ब किया CO2 और वाटर ने, जिससे अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ा और इस तरह से अर्थ का टेम्परेचर हैबिटेबल हो गया, रहने के काबिल हो गया। तो व्यूअर्स, CO2 जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि बेनिफिशियल है कि वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करवाती है और इसकी प्रेजेंस की वजह से, CO2 की वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हैबिटेबल है, रहने के काबिल है। अगर ये CO2 ना हो तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका मतलब है कि बहुत एक्सट्रीम हार्श फ्रोजन कंडीशंस एग्जिस्ट करेगी और लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल CO2 का बेनिफिट है कि किस तरह से वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब व्यूअर्स, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ कि हम लोगों ने, आपको पता है, जैसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ी, कंबस्टन बहुत ज्यादा बढ़ी, फ्यूल का यूज बहुत ज्यादा हो गया, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा स्मोक एस्केप कर रही है, हमारी जो गाड़ियां हैं उनसे बहुत ज्यादा स्मोक एस्केप हो रहा है, तो उससे क्या हुआ कि ये जो ब्लैंकेट ऑफ CO2 है ये बढ़ता गया, ये पहले से ज्यादा हो गया। अब CO2 की जो एबिलिटी, अभी आपको बताई कि इसकी एबिलिटी है टू ट्रैप द हीट, टू ट्रैप द IR, तो इसके बढ़ने से क्या हुआ कि वो IR जो पहले थोड़ी सी एब्जॉर्ब होने के बाद एस्केप हो जाती थी, अब वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है और इसके एब्जॉर्ब होने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मोर देन एवरेज हो जाता है, यानी अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है। तो इस अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 है, मिथेन है, वाटर वेपर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हीट को रिटेन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से CO2 की कंसंट्रेशन एटमोस्फेयर में बढ़ रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एवरेज से ज्यादा होता जा रहा है। इसको हमने कहा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम इसी इफेक्ट को पूरी वर्ल्ड में स्टडी करें, पूरे ग्लोब पे अप्लाई करें,
तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम दूसरा नाम दे देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि इससे पूरे ग्लोब की, पूरी अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो वार्म हो रहा है। तो व्यूअर्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मोर देन एवरेज बढ़ना, और अगर हम इसको पूरे ग्लोब पे अप्लाई करें तो ये बन जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। और एक अंदाजे के मुताबिक अर्थ का टेम्परेचर 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो व्यूअर्स, ग्लोबल वार्मिंग के अगर हम इफेक्ट्स देखें तो इसके इफेक्ट्स में है कि जैसे कि हीट बढ़ रही है उससे जो ग्लेशियर्स हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उनके मेल्ट होने की वजह से जो वाटर लेवल है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है, उसके इंक्रीज होने से फ्लड रिस्क बढ़ रहे हैं। आप देखते भी हैं कि फ्लडिंग वगैरह होती है, फ्लड रिस्क बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, जिससे ना सिर्फ फसलें बल्कि जो इंसान है उनको भी नुकसान होता है और दूसरे एनिमल्स को भी। तो उससे क्या होता है कि वो जो लो लाइंग एरियाज हैं वो हो रहे हैं इनहैबिटेबल। व्यूअर्स, इसकी एक एक्चुअल एग्जांपल जो है वो मालदीव्स आइलैंड है, जहां पे साइंटिस्ट ने बताया कि वाटर लेवल इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा है कि अगले 50 ईयर्स में जो मालदीव्स है वो सारा का सारा फ्लडेड हो जाएगा और वहां पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह ही न्यू लेक्चर्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज।